एवरीवन, वेलकम टू एसएस आर्ट एंड क्राफ्ट क्लासेस। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर में खुशियां बनी रहे, सब सही सलामत रहे। तो चलिए आज का हम ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है जो मुगल आर्ट हम लोगों ने बनाया है। फर्स्ट पार्ट जिन लोगों ने देखा है उनको पता होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो चेक करके आप उतना काम वहां से कर सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट है वो काम हम अभी स्टार्ट करेंगे मुगल आर्ट की डिटेल की। मुगल आर्ट क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो सारा डिटेल मैंने फर्स्ट पार्ट में सब कुछ बताया है। किसने इंडिया में सबसे पहले इस आर्ट को लाया था, किसने बनाया था, कौन सा काल चल रहा था, वो सब कुछ मैंने डिटेल दिया है, तो वो वहां से आप देख सकते हैं। क्योंकि कोई भी आर्ट जब हम बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप कलर के बारे में जाने, सिर्फ उस चीज को सिर्फ आप देखें और उसको बनाएं, उस चीज के बारे में कि क्या ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या चीज है, जब उसकी आप डिटेल को जानोगे ना तो उसमें क्या होगा, उस आर्ट से आपको लगाव हो जाएगा, उससे प्यार हो जाएगा कि ये आर्ट क्या है, कहाँ से आया है, किस तरह से आया है, तो वो क्या थीम लेके चलते थे, तो वो सारी चीजें जान के तो उस आर्ट को सुंदर बनाया जा सकता है। क्योंकि बहुत चीज इंडिया में इतना वैल्यू नहीं है आर्ट का जितना कि बाहर के देशों में है, क्योंकि वो उसको डिटेल को जानने की कोशिश करते हैं कि उस तरीके से कहां से हम इसको स्टार्ट करें, कैसे हम इसका सेटअप करें और इसकी क्या वैल्यूज हैं। इंडिया में मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिसको आर्ट की वैल्यू ही नहीं पता। बहुत लंबा प्रोसेस है कि इसको आर्ट को आप लोग फैलाइए, जितना लोगों को आप शेयर करेंगे आर्ट के बारे में लोग उतना ही जानेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे जो आने वाली जो जनरेशन है तो वो भी इस लाइन की तरफ जाए, क्योंकि जब इस चीज को आप बढ़ावा दोगे तभी दूसरों तक ये पहुंचेगा और दूसरे तक पहुंचे तो कला है, फैलाते जाइए, सीखते जाइए, सिखाते जाइए। तो इसीलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो आर्ट बनाऊं बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ कि जो डिटेल आपको नहीं मिलते, जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हो उस चीज के बारे में अच्छे से जान पाओ। तो चलिए बात तो बहुत हो गई, एक बार फिर से हैप्पी होली और आप काम स्टार्ट करते हैं मुगल आर्ट का। सो गाइज, यहाँ पर ड्रेस के लिए मैंने डार्क ग्रीन कलर में व्हाइट कलर को मिक्स किया है, क्योंकि इसके ऊपर हमने शेडिंग वर्क भी करना है। तो सबसे पहले ये हम बेस कलर कर देंगे, और इससे पहले के जो बेस कलर हैं, जितना कलर आप देख रहे हैं कि इतना हो चुका है, तो ये मैंने फर्स्ट पार्ट में डाला हुआ है, ठीक है। तो जो हमने ज्वेलरी और जो डिटेलिंग है वो अभी नहीं करनी है, तो ये जो बेसिक कलर है ड्रेस का वो हमने कर देना है और उसको सूखने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि जो शेडिंग वर्क होता है वो हमेशा बाद में होता है, पहले एक बेस कलर हमें ज़रूर करना होता है। तो ये जो ड्रेस की फ्रिल होती है, जैसे कि हमारी लेसेस वगैरह होती है, ये वाइट कलर से मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और ये जो कान के ऊपर जो ये शेडिंग वर्क है, तो वाइट कलर बेस करके उसके ऊपर मैंने पिंक कलर का शेड दे दिया है। और हाथी के सिर के ऊपर का जो कपड़ा है, इसमें मैं यहाँ पर ब्राउन कलर कर रही हूँ। ब्राउन में आप पर्पल कलर भी मिला सकते हो, तो वो थोड़ा डिफरेंट शेड होके तैयार हो जाएगा। यहाँ बेस का मैंने ब्लैक कलर लिया हुआ है, तो इसके ऊपर जो डिज़ाइन कर रही हूँ, तो ये मैंने पर्पल और पिंक और वाइट ये तीन कलर को मिक्स किया है, और तब ये मैं कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम पिंक के साथ ही सारा जाते तो वो इतना अच्छा नहीं आता। थोड़ा शेडिंग में अगर आप चेंज कलर करके देखोगे, जैसे कि कपड़े में भी होता है, वो प्रॉपर एक कलर नहीं होता, तो उसमें शेडिंग अलग अलग दी जाती है। तो यहाँ पर जितना अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप यही कलर को मिक्स करो जो आपको पसंद हो, कोई भी दो तीन कलर मिक्स करके अलग शेड तैयार करो तो वो बहुत अच्छा निकल कर आता है, ठीक है। ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपकी पेंटिंग को खूबसूरत बनाते हैं। तो अब ड्रेस की हम वो कलर सूख गया है, तो अब हम इसको फाइनल टच देंगे। तो ये अब मैंने डार्क ग्रीन कलर को ही ले लिया है, तो जो पूरा ड्रेस का शेड है वो आपने 0 नंबर के ब्रश से यहाँ पर करना है। तो ये पूरी पहले हम लाइनिंग ले लेंगे, उसके बाद ये अब शेडिंग वर्क को स्टार्ट करेंगे। हल्का हल्का शेड आना चाहिए, जैसे कपड़े में सलवट होती हैं तो वो सारी यहाँ पर दिखनी चाहिए, क्योंकि प्लेन कलर करने पर वो लुक नहीं आता जो कि आना चाहिए, वो बच्चों वाला काम लगता है। तो प्लेन कलर को करके छोड़ो और उसके ऊपर शेडिंग वर्क स्टार्ट करो, और उसके बाद
डिटेलिंग वर्क चलता है, जैसे कि जो इसकी ज्वेलरी वगैरह है वो सारी। उसके बाद यही कलर मैंने जो लाइट वाला है ग्रीन में वाइट कलर जो मिक्स किया हुआ था वही मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो छोटे छोटे आप देखो कैसे मैं ब्रश को रख रही हूँ, बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर आप चाहो तो पहले पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप परफेक्ट हैं कि आपको करना आता है तो आप डायरेक्ट ब्रश से भी इस तरीके से कर सकते हो, तो आपको पेंसिल से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है क्योंकि इसी तरह के होते हैं कपड़े के ऊपर, तो मैंने वही पैटर्न लेके यहाँ पर चल रही हूँ। तो हल्का हल्का ब्रश को सारा काम ये 0 नंबर के ब्रश से हो रहा है, जो 000 नंबर का ब्रश होता है। तो ये ग्रीन कलर के शेड करने के बाद मैंने हल्का हल्का व्हाइट के साथ इसके ऊपर टचअप दिया, तो ये पूरा खिलकर आ गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। कमेंट करके बताना, मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो ये मैंने नीचे देखो लाइट पिंक कलर किया था, अब इसके ऊपर मैं जो पिंक है बॉटल से मैं डायरेक्ट यही पिंक कलर को ले रही हूँ बिना शेड किए, तो और उसको मैंने अप्लाई कर दिया। अब इसके बीच बीच में मैं डार्क येलो कलर की लाइंस ले रही हूँ ताकि पूरा जो लाइनिंग वाला पैटर्न भी होता है अच्छे से निकल कर आए। येलो कलर करने के बाद अब हम करेंगे व्हाइट कलर। व्हाइट कलर करेंगे तो उससे ना लुक और जो इसकी ग्रेस होती है पूरी अच्छे से निकल कर आती है। तो रेड के दोनों साइड में व्हाइट कलर की लाइन लेंगे तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। हुआ है जो हमारा कालीन बनाया हुआ है, तो उसमें कितने सारे कलर लिए हैं। स्टोन हमने फर्स्ट पार्ट में लगा लिए थे, बेसिक कलर भी हमने कर लिया था। उसके ऊपर जो शेड गई है वो आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से उसमें शेड जाती है, एक कलर की नहीं जाती है, किसको लाइट करना है उसके ऊपर फिर से लाइट कलर करके लाना है, तो उसमें डिटेलिंग वर्क बहुत ज्यादा होता है। तो वो सारे डिटेल को देखेंगे समझेंगे तो आप अच्छे से बना भी पाएंगे, इस वीडियो में देखकर ही बना पाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है रेड कलर, इसकी शेडिंग में नीचे की जो है वो पहले बता चुकी हूँ। अब इसके ऊपर का जो बारीक पैटर्न है ये लकड़ी का डिज़ाइन हुआ करते थे, तो लकड़ी के डिज़ाइन में इस तरह के पैटर्न जो बारीक बारीक जालियाँ बनी होती थी कि ये पूरा लकड़ी का बना होता था जिसमें राजा महाराजा बैठते थे, तो ये पैटर्न को हमने उसी तरीके से लेना है। ऊपर जो मैं काम कर रही हूँ ये ब्रश के साथ कुछ आपने प्रॉपर डिज़ाइन नहीं लेने, हल्का हल्का दिखाना है क्योंकि काफ़ी ऊपर हो गया, जैसे कि हम कोई चीज़ थोड़ी दूर से देखते हैं वो ऊपर दिखाई देती है तो उसमें जो बारीक डिज़ाइन होते हैं वो क्लियर नज़र नहीं आते हैं। तो वही काम मैं यहाँ पर कर रही हूँ, क्लियर कोई प्रॉपर डिज़ाइन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ब्रश को हल्का हल्का सा इधर उधर करके ये काम कर देना है तो ये अच्छा लगेगा। क्योंकि प्रॉपर करेंगे तो वो इतना लुक नहीं देगा, दूर की चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होती है जो कि बारीक वाले काम में होती है। तो ये पूरा रेड के साथ ही मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब आती है फेस की बारी, तो जो मार्केट में स्किन कलर आता है उसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया, डायरेक्ट वही कलर को मैंने उठाया और यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। देखे हैं जैसे फेस में हमने किया है तो वो हमने कैसे किया, सिंपल जो कलर उठाया उसी को हमने कर दिया, लेकिन उस फेस के कलर को हम जो प्रॉपर जो कलर होता है नेचुरल कलर तो वो इस तरीके का तो नहीं होता है, तो वो सारी डिटेल भी मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन ये पेंटिंग बहुत लंबी हो जाती है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं सिखा पाई। तो फेस का डिटेल वर्क भी मैं किसी ना किसी वीडियो में आपको सिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया। तो ये मैंने पिंक कलर फिर से ले लिया है, शेडिंग हमने कर ली थी और ऊपर का डिज़ाइन का जो पैटर्न है ये मैं खिले हुए फ्लावर की तरह ले रही हूँ। अब इसमें जो नीचे झालर लटकी हुई होती है तो उस झालर के लिए मैं यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिया है ब्लू कलर, और ब्लू कलर में मैंने ज़्यादा क्वांटिटी मिक्स की है वाइट की। तो आपने जैसे कि अगर मैं प्रॉपर बताऊँ तो मैंने ब्लू का 30 और वाइट का 70 पार्ट यहाँ पर लिया है, तो ये रेशियो करके आप भी कलर मिक्स कर सकते हैं 70-30 का। और यहाँ पर हल्की हल्की कपड़े में जैसे सलवटें और डिज़ाइन होता है तो इसी तरीके का होता है, तो ये यहाँ पर इसकी लटकन बन गई है जो पूरे ही तरफ बनानी है, तीनों तरफ ये तैयार होगी
और उसके बाद सिर्फ वाइट कलर लेंगे, इसमें ब्लू को मिक्स नहीं करना है और हल्का हल्का सा डॉट रखते हुए जाने हैं। अब फेस के डिटेल कर देते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया उतना डिटेलिंग मैं यहाँ पर नहीं करवा रही, तो बेसिक कलर करने के बाद मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर को ले लिया है और उसी से मैं पूरा फेस यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। इन्हीं दो कलर से भी आप शेडिंग वर्क करके फेस तैयार कर सकते हैं, और यहाँ पर भी मैं डार्क ब्राउन कलर ही ले रही हूँ और इसको क्लियर करेंगे, यहाँ पर फिनिशिंग टच देंगे, और जो यहाँ पर हाथ हैं ये उंगलियाँ इनको भी निकाल कर लाएंगे। ये राजा के पीछे का जो पिल्लो है यहाँ पर मैंने हल्की हल्की सी एक एक लाइन दी है येलो कलर की, और जो इसमें रिंकल्स पड़ते हैं जो पिल्लो में सलवटें आती हैं तो उसकी शेडिंग, क्योंकि मैंने बेस कलर पिंक कलर का लिया है लाइट पिंक कलर, तो उसी में मैंने डार्क पिंक कलर को डाल के और ये शेडिंग वर्क कर दिया है। और अब जो ऊपर का डिटेल है तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर ब्राउन में ब्लैक कलर मिक्स करके यहाँ पर ये दाढ़ी बना रही हूँ हल्की हल्की सी, तो ब्राउन में ब्लैक से ही ये बन जाएगी, ज़्यादा कलर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम बाल वगैरह बिल्कुल ब्लैक कलर के बनाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। या तो आप ब्राउन और ब्लू मिक्स करो या फिर आप ब्राउन के साथ ब्लैक मिक्स करो तो थोड़ा ओरिजिनल कलर आता है। अब इसकी भी ड्रेस की डिटेलिंग करने के लिए पहले पिंक लिया है और पिंक के साथ मैंने यहाँ पर किया है मैरून कलर को यूज़, ठीक है, तो उसके ऊपर जो शेडिंग जाएगी जैसे हमने पहले ऊपर शेडिंग की थी उसी तरह की शेडिंग यहाँ पर होगी। शेडिंग करते टाइम आप थोड़ा सा पानी ब्रश में ले सकते हो, जो पहले लाइंस करोगे वो आप सिर्फ कलर से करो और फिर हल्का सा ब्रश में पानी लेकर उसमें शेडिंग कर दो, क्योंकि अगर आप सेम वैसे ही करते जाएंगे तो पूरा डार्क आ जाएगा। आँख की पुतली के लिए मैंने यहाँ पर ब्राउन कलर में स्किन कलर को मिक्स कर लिया और हल्का सा शेड दे दिया, या फिर आप ब्राउन में वाइट कलर मिक्स करके भी कर सकते हैं। तो ये पुतली जो है इसका गोला बना के छोड़ देंगे और जो नीचे की जगह है उसमें वाइट कलर कर देंगे, और ऊपर की बाउंड्री मैंने ब्लू कलर से की है, और फिनिशिंग के लिए देखिए शेडिंग वर्क आँख के आसपास ब्लू कलर से ही करनी है और एक लाइन सिर्फ आप ब्लैक कलर की दे देंगे तो हमारी आइज़ तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पर जो मैं कर रही हूँ पर्पल पिंक और वाइट कलर को मिक्स करके ये ज्वेलरी का डिटेल चल रहा है, और जो सर के ऊपर का ये जो कपड़ा है उसमें भी हल्का हल्का सा पैटर्न लेना है, वो जैसे मैंने पिंक कलर में वाइट मिक्स किया है तो वही यहाँ पर भी लिया है। काफ़ी सारा काम मैंने इसमें पिंक एक ही कलर की कई सारी शेड चेंज करके किया हुआ है, आप देख भी रहोगे पिंक कलर मैंने कई जगह पर यूज़ किया है लेकिन हर जगह आपको अलग शेड दिख रही होगी। तो यही होता है एक ही कलर से आप कई कलर तैयार कर सकते हैं। तो ये टूथपिक से मैं डिटेल कर रही हूँ, यहाँ पर छोटे छोटे ड्रॉप रखने हैं, अगर आप ब्रश से नहीं रख सकते हैं तो आप टूथपिक का यूज़ कीजिए, नहीं तो आप ब्रश से करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर ज्वेलरी की डिटेल पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर हम ब्रश से ही कर रहे हैं, बहुत छोटा छोटा हमने लेना है, तो 0 नंबर के ब्रश से ही ये पूरी ज्वेलरी को हम निकाल कर लाएंगे। दांत में यहाँ पर वाइट कलर करना है और जो सारी डिटेल्स आएंगी वो जाएंगी ब्राउन कलर के साथ, तो जितना पार्ट यहाँ पर बचा हुआ है वाइट का तो उसके ऊपर वाइट ही जाएगा, तो ये भी मैं यहाँ पर वाइट कलर ही ले रही हूँ।
ये सारी डिटेल्स मैं ब्राउन कलर के साथ दे रही हूँ, डार्क ब्राउन कलर, और इसके अंदर का जो हल्का हल्का डिज़ाइन भी है वो भी ब्राउन कलर के साथ ही जा रहा है। जो ज्वेलरी के जितने भी आप बारीक वर्क होंगे वो सारे इसी कलर के साथ होंगे। एक एक छोटी सी छोटी डिटेल सिर्फ ब्राउन कलर से करनी है यहाँ पर, जहाँ पर भी हमारा येलो काम है। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी मुगल पेंटिंग तैयार। 9x12 इंच का ये साइज़ है और इसकी पूरा डिटेल वर्क आप लोगों के सामने हुआ है। मुझे तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी मेहनत भी लगी है इसको करने में, काफ़ी टाइम भी लगा है। आप लोग भी इसे अपने घर के लिए बना सकते हैं, सजा सकते हैं। अगर आपको किसी को ये चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आप ये ऑनलाइन कहीं भी मंगा सकते हैं। सो गाइस, आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और फर्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा, तो आप इसको बिना किसी से सीखे डिटेल वर्क में अच्छे से बना पाएंगे, तभी वीडियो इतना लेंथी हो रहा है, नहीं तो वीडियो इतना लेंथी नहीं होता है। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो चीज आप लोगों को सिखाई वो आपको अच्छे तरीके से सिखाऊं, हर एक डिटेल आपको बताते चलूं। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर तो करना बनता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।